Welcome, my dear students. I'm going to teach you the wonderful book, and the name of the book is English Conversation Practice. It is written by Grant Chalor. चलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बेहतरीन सा बुक है जिसका नाम है इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस है। आप इस बुक को खरीद सकते हैं और ग्रैंड टेलर की लिखी हुई है और इसमें हर एक चैप्टर वाइज इसमें पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या दिया गया है, मीटिंग दिया गया है। इसमें इस बुक को पहला बात तो ये है कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है आपका सिचुएशनल कन्वर्सेशन में डिवाइड किया गया और नेक्स्ट क्या है आपका स्ट्रक्चरल कन्वर्सेशन। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखेंगे, पार्ट वन में देखेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट का हम लोग देखेंगे मीटिंग। तो फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है उसका नाम क्या है, मीटिंग दिया गया। ठीक है, जैसे मीटिंग मीन्स होता है क्या, जैसे कि हम लोग किसी से मुलाकात करते हैं। जब मुलाकात करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं, जाहिर सी बात है। तो उसको इंग्लिश में किस तरह बोला जाता है आप यहाँ देख सकते हैं। कन्वर्सेशन ए है आपका, ठीक है, कन्वर्सेशन ए में जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट पर्सन है, ये क्या आपका फर्स्ट पर्सन क्या कह गया, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, मींस क्या हो गया आप कैसे हैं। अब फिर सेकंड पर्सन रिप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन कहेगा तो सेकंड पर्सन तो शांत तो रहेगा नहीं, ऐसा नहीं कि योगा करने लगेगा। ठीक है, तो सेकंड पर्सन क्या रिप्लाई देगा, प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू। देखिए प्रीटी वेल एंड थैंक्स है, प्रीटी वेल का मतलब हो गया हम अच्छे हैं, इसके लिए शुक्रिया, मेरी खैरियत पूछने के लिए शुक्रिया। ठीक है, और आप कैसे हैं, यहाँ पे एंड यू जो दिया गया है ये क्या पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, हम तो अच्छे हैं, लेकिन अगला भी सवाल पूछा जाएगा कि आपका अगला की खैरियत भी पूछा जाएगा कि उसका सेहत कैसा है या नहीं है। तो अगला क्या बोल रहा है, आई एम फाइन थैंक्स सर, मैं ठीक हूँ इसके लिए शुक्रिया। अब फिर ये फर्स्ट पर्सन था, फिर फर्स्ट है सेकंड पर्सन, मतलब कन्वर्सेशन जो होगा दो बीच के कम से दो आदमी के बीच में ही होगा, आप में अकेला तो कन्वर्सेशन करेगा नहीं। ठीक है, हेलो हाउ आर यू, प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू, अपने आप में तो पूछेगा नहीं, जाहिर सी बात है वो अगला से ही पूछेगा। तो आप ये सेकंड पर्सन क्या फिर बोलेगा, आई एम फाइन थैंक्स है, मैं ठीक हूँ शुक्रिया, एंड धन्यवाद भी कहते हैं। ठीक, इट्स गुड टू सी यू अगेन, मीन्स दोबारा मुलाकात करके हमें अच्छा लगा, जैसे हम लोग किसी से मुलाकात करते हैं तो दोबारा मुलाकात होती है तो अच्छा ही लगता है, जाहिर सी बात है। और कोई और चहेता इंसान हो तो उससे दोबारा क्या बार बार मिलने का मन करता है, दोबारा मिलने के बाद क्या होता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाया करती है। तो यहाँ पे हम लोग चार सेंटेंस देखें कन्वर्सेशन ए में, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे आपका कन्वर्सेशन बी। तो कन्वर्सेशन ए में हम लोग क्या देखते हैं, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार, जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं तो क्या बोलना है, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू, मैं ठीक हूँ एंड यू। यहाँ पे स्ट्रेस डालना पड़ेगा, ये क्या होता है स्ट्रेस होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग के इंग्लिश में सिलेबल पढ़ाया जाता है, एक हाई स्ट्रेस रहता है, एक लो स्ट्रेस रहता है, एक स्ट्रेस रहता है दूसरा अनस्ट्रेस रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आई एम फाइन थैंक्स है, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। तो फिर नेक्स्ट में क्या बोलेगा अगला पर्सन, इट्स गुड टू सी यू अगेन, मतलब दोबारा मुलाकात करके हमें अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा, ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए और इसको कॉपी में लिखिए, और ये बुक हमेशा अपने पास साथ में रहेगा। अगर बुक नहीं है तो कॉपी में एक कॉपी बना लिया नोट से जिसमें ये सारा फोर सेंटेंस लिखा गया, फिर इसको रिवाइज करना है। किसके साथ रिवाइज करना है, आपके घर में मदर होंगे, फादर होंगे, ग्रैंड मदर होंगे, ग्रैंड फादर होंगे। अगर फादर और मदर बिजी हैं तो क्या करना है आपको, दादाजी के हाथ लेना है। ठीक है, दादाजी को बोलना है दादाजी बिजी हैं तो दादाजी का इस्तेमाल करना है, नहीं तो छोटे ब्रदर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसको बोलो जबरदस्ती तुम पढ़ो, अगर नहीं है कोई तो रोने वाला बच्चा को भी ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके सामने बोलते रहो, लेकिन ये आपको किसी ना किसी के सामने बोलना ही पड़ेगा। आपको दो बीच में कन्वर्सेशन करना है, एक को अगला को लेना ही पड़ेगा, तब जिस तरीके से आप आसानी से सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।